कृष्ण खुद कह रहे राधा रानी की महिमा तो क्या कहते हैं, अगर मेरे नाम कोई 100 बार ले, कितना बार ले? 100 बार। जानते हो एक कृष्ण नाम लेने का कितना पुण्य है? आपको पता है एक कृष्ण नाम लेने का कितना पुण्य है? इसलिए ये शंकर जी स्वयं कहते हैं बोले राम रामेति रमेति राम रमे मनोरमे सहस्र नाम विस्तुल्यम श्री राम नाम बरानन। शंकर जी पार्वती को कहते बोले पार्वती अगर कोई विष्णु सहस्र नाम विष्णु का 1000 नाम कोई एक बार ले
अगर एक बार श्री राम का नाम ले ले, एक राम नाम समान 1000 विष्णु नाम लेने का फल मिलता है, हैं? लेकिन हमारे पुराण में क्या कहते हैं, बोले सहस्त्र नाम नाम पुण्य नाम त्रिरा वित्वा तुजत फलम एक वित्वा तु कृष्णस्य नामई तत्त प्रचति। ध्यान दे सुनो, कहते हैं अगर ये विष्णु सहस्त्र नाम को कोई 3 बार बोले, मतलब 3000 विष्णु का नाम को ले ले, अगर एक बार कोई कृष्ण नाम ले ले, एक कृष्ण नाम लेते ही 3000 विष्णु नाम लेने का फल मिल जाता है। मतलब एक कृष्ण नाम समान 3 बार राम नाम और 3000 विष्णु नाम लेने का फल, इतने कृष्ण नाम लेने का फल है। लेकिन कृष्ण कहते हैं अगर मेरा कोई 100 बार नाम ले, कितना बार ले, 100 बार नाम ले, अगर एक बार कोई राधा रानी का नाम लेते हैं, एक राधा रानी का नाम 100 बार मेरे नाम के बराबर। इसलिए वृंदावन आते ही इसलिए कोई भी कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, जोर से राधे और जोर से राधे वृंदावन में। लेकिन वास्तविक में ये गुरुदेव क्या कर रहे हैं, हम सबको खींच खींच के कहां पे लेके जा रहे हैं, चलना सिखा रहे हैं। इधर माँ चलना सिखाती केवल इस जगत में, लेकिन गुरु वैष्णव हमें चलना सिखाते हैं जो भव सागर को भी पार करके कहां पे ले जाते हैं, राधा गोविंद के चरणों में ले जाते हैं। तो इसलिए हम बार बार गुरुदेव को स्मरण करते हैं कि गुरुदेव ने हमें क्या वस्तु दे दी,
देखो अभी भारत जी बता रहे ना वृंदावन में आते हैं तो सब लोग क्या बोलते हैं, तुलसीदास जी आए वृंदावन में, जब वृंदावन में आए तो उन्होंने एक पद लिखा। वैसे तो उन्होंने सारे पद किसके लिखे हैं, राम जी के लिखे हैं, एक पद उन्होंने यहाँ पे आके लिखा जिसके अंदर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे को ऐसे लगता है कि यहाँ पे जितने भी वृंदावन वासी है ना, वृंदावन वासी तो छोड़ो, जो यहाँ के तरु है, लता है, फूल पक्ष जितने भी है, यहाँ तक यहाँ के पशु पक्षी, ऐसा लगता है मेरे को इन सब ने कोई राम जी से बैर कर लिया है, या फिर लगता है राम जी से वैर, छोटे तो कृष्ण से भी वैर कर लिया, कोई राम राम ही नहीं बोलता, कोई कृष्ण कृष्ण ही नहीं बोलते, या कि सब पत्ते पत्ते भी क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे राधे राधे क्यों बोलते हैं। इसके लिए बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं हमारे एक गुरुवर हुए हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने ग्रंथ लिखा है कृष्ण भावना अमृत, उसके अंदर वो बताते हैं कि राधे राधे क्यों बोलते हैं। ध्यान से सुनना, देखो राधा जी के पास तीन सुख है, चक्षु विचक्षण और एक और तीन